जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। जनता में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। बीते दिन जंदाहा के रामपुर चकलाल निवासी मनीष कुमार की हुई हत्या मामले में शनिवार की दोपहर मृतक के घर पहुंचे जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया एवं उनका ढांढस बंधाया। मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शादी के मात्र 6 दिन बाद ही मनीष की हुई हत्या से एक लड़की को 6 दिन में विधवा बना दिया गया और उसका जीवन बर्बाद कर दिया गया। आए दिन वैशाली जिले में जिस तरह अपराध की घटनाएं हो रही है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वैशाली अपराधियों की राजधानी बन गई है। कभी केला के लिए विख्यात हाजीपुर की पहचान आज इंटरनेशनल सोना लूटकांड के लिए होती है। अब हम बालू माफिया, जमीन माफिया आदि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि माफिया अपराधी राजनीतिज्ञ का चोली और दामन का संबंध है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केवल 3 महीनों के लिए मुझे एक ही जिला की जिम्मेदारी दे दी जाए और वहां का हर व्यक्ति आजादी से अपना जीवन जिएगा। 3 महीने बाद उस क्षेत्र के किसी घर में न किसी दुकान में ताला लगाने की जरूरत पड़ेगी। पूर्ण रूप से अपराध मुक्त जिला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़की के बलात्कार एवं हत्या के मामले में 72 घंटे के अंदर कड़ी सजा दी जाएगी। अपराधियों को 72 घंटे के अंदर ही फांसी या एनकाउंटर किया जाएगा। आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आए दिन 500 से 5000 के लिए भी मर्डरें हो रही है, जो काफी चिंता का विषय है। इस मौके पर जाप प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार राजू, डॉक्टर हरिनंदन राय, युवा नेता टंटू सिंह, प्रदेश सचिव मनीष कुमार उर्फ पिंटू यादव, संतोष कुमार आदि उपस्थित थे। वहीं परिजनों को सांत्वना देने के उपरांत जाप सुप्रीमो रहुआ के रामचंद्र राय के यहाँ पहुंचे, जहाँ भुइया बाबा के पूजा के उपरांत प्रसाद ग्रहण किया। मर्डर में अब तो लगातार, अभी हम शिवहर में मुखिया जी को इसके पहले 5 साल उनके पूरे परिवार को नक्सल मार दिया था। लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमला, छोटे छोटे घटनाओं में 5500 रुपये के चलते मर्डर हो जाना, किन बिंदु पर क्यों कौन मार देगा? नशे में मस्त है, किसी को तो कुछ पता नहीं चलता। ये जो घटना घटी इससे बड़ा दुखद क्या होगा? 6 दिन पहले शादी होती है, 6 दिन बाद वो विधवा हो जाए। मैं समझता हूं कि लगातार मैं इस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं, इस मर्डर पर। कल भी मैं एसपी से बात किया, कल हम सुबह जहां मर्डर हो गई मजदूर की, रात में हम वहां गए, गरोल गए। गरोल में तो भाई और भी आतंक है। वो जो लड़का जिसने गोली मारा सीएसपी को, वो तो सीधा क्रिमिनल है। और क्या क्या मारता है, मर्डर में 3 से 6 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल होना चाहिए। बलात्कार में 1 महीना से पहले 15 दिन के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी दीजिए, नहीं तो इसको शमशान भेजिए। जेल में लगातार हत्या और समाज के लिए डर पैदा करने वाले अपराधियों को जीने का राइट और जेल का राइट नहीं मिलना चाहिए। इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं है। परिवार जो निर्णय लेगा हम साथ होंगे परिवार के। यदि यह बच्ची यहाँ रहेगी तो हमारे तरफ से उन्हें 25,000 रुपया कोई व्यापार के लिए हम देंगे। पहले उसका परिवार निर्णय ले लें, फिर हमारे नेता हैं नंदन जी, पिंटू जी, सभी लोग आए हैं, हम मजबूती के साथ निर्णय। कल मैंने कहा